नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। ये है हमारा खास बुलेटिन खबर की तह तक, जहां हम आपको हर खबर विस्तार से बताते हैं और हर खबर की पूरी पड़ताल करते हैं। शुरुआत कर रखे हैं एक बड़ी खबर से, सीएम मनोहर लाल का दिल्ली दौरा। के आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल आज दिल्ली जा रहे हैं। आपको ये बता दें कि आज शाम को दिल्ली पहुंचेंगे सीएम और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं सीएम मनोहर लाल। दौरा बेहद खास है। दौरे को लेकर माना जा रहा है कि अपने इस दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, कुछ अहम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, देश को लेकर चर्चा होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के पॉलिटिकल हेड अनिल मोर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी अनिल, सीएम मनोहर लाल के दिल्ली दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अगर कार्यक्रम की बात करें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दिन भर चंडीगढ़ में रहेंगे। चंडीगढ़ में कई बैठकें मुख्यमंत्री करेंगे। शाम को मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम जारी किया गया उसके तहत मुख्यमंत्री शाम तक दिल्ली पहुँच जाएंगे। आज मुख्यमंत्री दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि किन किन केंद्रीय नेताओं से मुख्यमंत्री की मुलाकात है ये तो अभी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन मुख्यमंत्री जब जब दिल्ली जाते हैं तो मुख्यमंत्री की अहम मुलाकातें होती है। अगर मुख्यमंत्री की केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होती है तो कहीं ना कहीं सरकार से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। वहीं संगठन से जुड़े केंद्रीय नेताओं से मुख्यमंत्री मुलाकात करते हैं तो सरकार संगठन दोनों विषयों पर चर्चा होगी। फिलहाल किन किन से मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी वो जानकारी बाद में मीडिया को दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम, उस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री का आज रात्रि प्रवास दिल्ली के हरियाणा भवन में है। मुख्यमंत्री कल दोपहर को चंडीगढ़ आने का कार्यक्रम फिलहाल अभी तक जारी किया गया है। चलिए, तो कल का अलग कार्यक्रम रखेगा और आज सीएम मनोहर लाल दिल्ली पहुंचेंगे, चंडीगढ़ में कई बैठकों में हिस्सा भी लेंगे। और आप हमारे साथ बने रहिएगा अनिल, और भी खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। इसी बीच दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं एक और बड़ी और खास खबर से। गृह मंत्री अमित शाह का 22 दिसंबर को हरियाणा में दौरा होगा। गीता जयंती के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे अमित शाह। कुरुक्षेत्र के बाद चंडीगढ़ आएंगे अमित शाह। और आपको बता दें कि सरकार के साथ रिव्यू बैठक केंद्रीय गृह मंत्री करने वाले हैं। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे। और जरा जानकारी के लिए एक बार फिर से रुख हम कर रखे हैं अनिल मोर का। अनिल, क्या कुछ जानकारी है जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री का हरियाणा दौरा रखेगा इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के दौरे पर रहने वाले हैं। 22 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री सबसे पहले कुरुक्षेत्र जाएंगे, गीता जयंती कार्यक्रम में गृह मंत्री शिरकत करेंगे। उसके बाद गृह मंत्री का चंडीगढ़ आने का कार्यक्रम है। चंडीगढ़ में गृह मंत्री को दो बैठकें करनी है। एक बैठक तो चंडीगढ़ यूटी प्रशासन के साथ होगी और एक बैठक हरियाणा के साथ होगी। हरियाणा सरकार के साथ मुख्यमंत्री बैठक गृह मंत्री करेंगे। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहेंगे। कई कैबिनेट मंत्री भी इस दौरान मौजूद रह सकते हैं। वहीं कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। एक समीक्षा बैठक है, किस तरीके से केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर हरियाणा में वो योजनाएं लागू हो रखी है उसका कहीं ना कहीं एक रिव्यू यहां पर गृह मंत्री करेंगे। इसके अलावा जो देश भर में बीजेपी की यात्राएं चल रही है, संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा जो देश भर में चल रही है, हरियाणा में भी यह यात्राएँ चल रही है, इन यात्राओं को लेकर किस तरीके का फीडबैक आ रहा है, केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाओं को लेकर लोगों का ज़्यादा रुझान है, इन तमाम पहलुओं को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री समीक्षा करेंगे। अच्छा, देखिए अब आने वाले साल में हरियाणा में देखिए विधानसभा चुनाव भी होंगे, इधर लोकसभा चुनाव की तैयारी में भी पार्टी है। ऐसे में कह सकते हैं कि अब बीजेपी के दिग्गज नेताओं का हरियाणा पर फोकस होगा अनिल? देखिए बिल्कुल, अगर बात करें बीजेपी आलाकमान के केंद्रीय नेताओं की बात करें, कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कुरुक्षेत्र आएंगे, परसों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर आएंगे, उससे अगले दिन अगर बात करें 23 तारीख की बात करें असम के मुख्यमंत्री गीता जयंती कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यानी अब जो केंद्रीय नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व का अब हरियाणा पर खासा फोकस रहने वाला। हालांकि केंद्र की बात करें, बीजेपी आलाकमान की बात करें, बीजेपी 2024 में जुटी हुई मिशन जो 2024 में हरियाणा में भी बीजेपी मिशन 2024 में जुटी हुई है। मिशन 2024 की जो बड़ी जिम्मेदारी हरियाणा में है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कंधों पर है, तो ऐसे में बीजेपी आलाकमान भी अब हरियाणा पर कुछ ज़्यादा फोकस करेगा, क्योंकि हरियाणा में भी लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब केंद्रीय नेतृत्व का हरियाणा पर कुछ ज़्यादा फोकस होने वाला है। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम दर्शकों को रूबरू करवा रहे हैं एक और महत्वपूर्ण खबर से। तो देखिए, हरियाणा से जुड़ी एक और बड़ी खबर ये है कि हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक आज होनी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने इस बैठक को बुलाया है चंडीगढ़ में। कांग्रेस कार्यालय में बैठक होगी। भूपेंद्र हुड्डा
दीपक बावरिया इस बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस के सभी विधायक सांसद मौजूद रहेंगे। आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा अब कांग्रेस तय करेगी, आज की बैठक में ये माना जा रहा है। रुख एक बार फिर से हम कर रखे हैं खबरें अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर का। अनिल देखिए, इधर कांग्रेस भी एक तरह से कह सकते हैं कि 24 की तैयारियों में जुटती नजर आ रही है, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो। ऐसे में हरियाणा कांग्रेस की बैठक कितनी खास? देखिए बिल्कुल, 28 तारीख को कांग्रेस अपना 139वां स्थापना दिवस मना रही है। 139वें स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस की तरफ से एक राष्ट्रीय रैली की जानी है। राष्ट्रीय रैली नागपुर में होगी, है तैयार हम, इस रैली का नाम रखा गया। इस रैली के जरिए कांग्रेस एक बड़ा मैसेज 2024 को लेकर देगी। इस रैली को लेकर और जो कांग्रेस का स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस को लेकर कांग्रेस के क्या कार्यक्रम रहेंगे, इसी को लेकर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उद्यवान की तरफ से बैठक बुलाई गई। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के सभी विधायकों को, सांसदों को, वरिष्ठ नेताओं को इस बैठक के लिए बुलाया गया। कांग्रेस के तमाम डेलीगेट्स इस बैठक में मौजूद रहेंगे, तमाम जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में इसी को लेकर रणनीति बनाई जाएगी कि जो 28 तारीख को कांग्रेस का समीक्षा, कांग्रेस का जो स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस के मौके पर जहां कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की रैली कर रही है, तो हरियाणा में किस तरीके के कार्यक्रम हो सकते हैं, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस किस तरीके के कार्यक्रम करेंगी, अगर जनसभाएं करनी है तो जनसभाएं किस तरीके से रहेगी, तो इन तमाम तैयारियों को लेकर कांग्रेस की तरफ से आज की बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। बैठक अब से थोड़ी देर के बाद चंडीगढ़ में जो कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है वहां पर होगी। इसमें कांग्रेस के तमाम विधायक, सांसद, वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, अच्छा इधर देखिए, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के तमाम सांसद, तमाम नेता इससे मौजूद रहेंगे, लेकिन कांग्रेस को लेकर अक्सर एक ही खबर हरियाणा के लिहाज से आती है कि गुटबाजी बहुत है, तिगड़ी को लेकर कहा जाता है कि साथ मिलकर नहीं चल पाएंगे। ऐसे में क्या लगता है कि कांग्रेस अपनी गुटबाजी को लेकर भी कुछ बड़े कदम उठा सकती है? देखिए अर्थ में अगर बताऊं, जो ये बैठक है, ये बैठक खासतौर से गुटबाजी पे कोई फैसला लेने को लेकर तो नहीं है। ये जो बैठक रखी गई है कांग्रेस के स्थापना दिवस को लेकर, जो कांग्रेस की तरफ से हरियाणा में कार्यक्रम किए जाने हैं, हालांकि ये भी देखना होगा जो कांग्रेस की बैठक होगी, इस बैठक में कांग्रेस के तमाम नेता क्या एक मंच पर मौजूद होंगे, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किरण चौधरी, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, ये जो तमाम नेता हैं जिनमें आपसी मनमुटाव रहता है। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहते हैं तो SRK दूसरी तरफ रहता है जिसमें कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, क्या ये सारे के सारे नेता एक मंच पर मौजूद रहेंगे? अगर एक मंच पर मौजूद रहते हैं तो, और जो इनके समर्थक नेता सामने मौजूद रहेंगे, क्या उनमें एकजुटता नजर आएगी? और जो कार्यक्रम रखे जाएंगे कांग्रेस स्थापना दिवस को लेकर, उन कार्यक्रमों को लेकर जो जिम्मेदारियां तय की जाएगी, उनको लेकर जो नेताओं की ड्यूटियां लगाई जाएगी, उसको लेकर क्या इनमें आपस में विरोधाभास होता है, नहीं होता, ये बात नोटिस करने लायक होगी। चलिए देखना होगा कि तमाम नेता मौजूद रहते हैं या नहीं रहते हैं आज की इस बैठक में। बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है, तो कांग्रेस की बैठक पर सभी की नजर रखेगी। बढ़ते हैं खबरों में आगे, बड़ी खबर चंडीगढ़ से है। सीएम मनोहर लाल ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सलाह दी है, इंडिया गठबंधन की तरह हरियाणा में भी नए चेहरे की तलाश हो, दीपेंद्र हुड्डा को छोड़कर नए चेहरे को आगे आने दिया जाए। सोनिया गांधी ने राहुल को आगे किया, तभी कांग्रेस की यह हालत हुई। तो देखिए, सीएम मनोहर लाल ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ना केवल नसीहत दी है बल्कि तंज कसते भी नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन चेहरे की तलाश में है, इंडिया गठबंधन के लिए भी जिस तरह से नया चेहरा जरूरी है, ठीक वैसे ही हरियाणा कांग्रेस को भी इस पर चिंतन करना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, राजनीति में वार पलटवार का दौर अक्सर देखा जाता है, लेकिन जिस तरह से सीएम मनोहर लाल का बयान गए, पूरी की पूरी कांग्रेस को लपेटे में लेते नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि इंडिया गठबंधन में जहां एक नए चेहरे को प्रोजेक्ट करने की बात कही गई थी, इसी को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से ये सवाल पूछा गया था। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि जिस प्रकार इंडिया गठबंधन नए चेहरे को देख रहा है, उसी प्रकार से हरियाणा में भी भूपेंद्र हुड्डा को, दीपेंद्र हुड्डा को आगे करने की जगह कोई नया चेहरा देखना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार सोनिया गांधी की तरफ से राहुल गांधी को आगे किया गया था और कांग्रेस की यह हालत हुई थी, इस प्रकार की स्थिति जो है, या हरियाणा के अंतर्नाप ने इस प्रकार की एक तंज भरे लहजे में ये कह सकते हैं कि हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से ये सलाह भूपेंद्र हुड्डा को दी गई है। कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, और इसको लेकर के लगातार
पिता पुत्र को लेकर के भी, चाहे वो कांग्रेस के कार्यक्रम हो उनके अंदर हम नारेबाजी की बात करें, विरोध की बात करें, इस तरीके की बातें कांग्रेस के अंदर देखने के लिए मिलती है हरियाणा में, खासतौर से अगर हम बात करें। इसी को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहाँ पर ये बात कहते हुए नजर आए हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन की हाल ही की हुई जो बैठक थी, उस बैठक के अंदर एक प्रधानमंत्री के तौर पर जो चेहरा है मल्लिकार्जुन खड़गे को पेश करने की बात जिस तरीके से सामने आई थी, उसी को लेकर के ये सवाल किया गया था, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, जब हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ उसके बाद जो की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस प्रकार का जो तंज है या फिर इस प्रकार की जो सलाह है वो भूपेंद्र हुड्डा को देते हुए नजर आए हैं कि वे भी हरियाणा में कोई नया चेहरा तलाशे, उसे आगे बढ़ाए दीपेंद्र हुड्डा को आगे बढ़ाने की जगह, क्योंकि कांग्रेस की जो हालत सोनिया गांधी के द्वारा राहुल गांधी को आगे जो है करने के बाद हुई है, उसके बाद कांग्रेस को इस प्रकार का चिंतन इंडिया गठबंधन में करना पड़ रहा है, तो उससे पहले हरियाणा में भी अगर भूपेंद्र हुड्डा किसी नए चेहरे को आगे बढ़ाएंगे तो बेहतर होगा, इस प्रकार की बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हुए नजर आए, सलाह देते हुए नजर आए। जी अच्छा, देखिए लगातार देखा ये जा रहा है कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर जमकर वार प्रहार कर रखे हैं, ऐसे में जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष किया है, कहा गया है कि नया चेहरा सामने लेकर आइए, अपने बेटे के अलावा किसी और पर फोकस कीजिए, ऐसे में क्या लगता है, क्या प्रतिक्रिया कांग्रेस की आ सकती है? तो आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल की तरफ से देखिए बड़ा कटाक्ष कांग्रेस पर किया गया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा गया है। आप हमारे साथ बने रहिएगा जितेंद्र। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हां, दोपहर 12 बजे ज्ञानचंद गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, विधानसभा सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, शीतकालीन सत्र के बारे में प्रेस वार्ता में जानकारी देंगे। तो शीतकालीन सत्र कितना खास रहा, तमाम विषय है शीतकालीन सत्र से जुड़े हुए जिसको लेकर जानकारी देंगे। तो ज्ञानचंद गुप्ता देखिए आज करने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस और दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, शीतकालीन सत्र के बिजनेस को लेकर जानकारी देते नजर आएंगे। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, दोपहर 12 बजे ज्ञानचंद गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी विधानसभा सचिवालय में, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, शीतकालीन सत्र के बारे में प्रेस वार्ता कर जानकारी देंगे कि कितना सफल रहा है, क्या कुछ बिजनेस हुआ है, कौन कौन से मुद्दे थे जिनको लेकर के देखिए काफी चर्चाओं में शीतकालीन सत्र रहा। शुरुआती दौर में हमने देखा हंगामा हुआ, एक कमेटी भी बनाई गई है और राज्य गीत को लेकर भी खूब चर्चा हुई है, ऐसे में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद महत्वपूर्ण। एक बार फिर से हम रुक करते हैं खबरें अभी तक के स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी का। जितेंद्र, आज ज्ञानचंद गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कितनी खास ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कौन से अहम मुद्दे जिनको लेकर जानकारी देते नजर आएंगे? देखिए बिल्कुल, 3 दिन का हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र था और शीतकालीन सत्र में किस तरीके से हरियाणा विधानसभा के अंदर जो कार्यवाही है वो रही है, उसकी पूरी जानकारी देने का काम स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से आज हो रही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया जाएगा, जो कि आज दोपहर 12 बजे होगी। 21 घंटे के आसपास जो है हरियाणा विधानसभा की जो कार्यवाही है 3 दिन के अंदर रही है, कि इसमें क्या कुछ चर्चा रही है, कितना समय जो है सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायकों को दिया गया है, इससे जुड़े जो तमाम सवाल है और जो जानकारी है वो साझा करने का काम हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से किया जाएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जानकारी जो है मीडिया को दी जाएगी, पूरे प्रदेश को ये जानकारी देने का काम किया जाएगा। जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जानकारी दी जाएगी, आप हमारे साथ बने रहिएगा जितेंद्र। आपसे अगली खबर पर भी हम रापता करेंगे, खबर है चंडीगढ़ से, हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, 1 बजे चंडीगढ़ स्थित आवास पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, विधानसभा सत्र समेत कांग्रेस के आगामी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगे। तो देखिए इधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखे हैं, एक के बाद एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती नजर आएंगी। एक बार फिर से रुक करते हैं जितेंद्र चौधरी का। जितेंद्र, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आज प्रेस से मुखातिब होंगे, क्या लगता है कौन से बिंदुओं पर बातचीत करते नजर आ सकते हैं? देखिए आरती, एक और जहां विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर के भूपेंद्र हुड्डा भी अपनी तरफ से जानकारी देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जो आगामी कार्यक्रम है, आज हो रही जो बैठक है,
किस तरीके से कांग्रेस का जो अधिवेशन है उसको लेकर के जो स्थापना दिवस है उस स्थापना दिवस को लेकर के जो बैठक है उसके अंदर चर्चा रही है, आगामी कार्यक्रम किस तरीके से रहने वाले हैं, कांग्रेस की क्या कुछ भूमिका जो है वो देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अब ये कह सकते हैं कि दिसंबर माह जो है वो अब खत्म होने का है, नए साल के अंदर जो है नई गति किस तरीके से कांग्रेस लेकर के आ पाएगी। हालांकि अभी तक कांग्रेस संगठन नहीं बना पाई है, ऐसी स्थिति में किस प्रकार से आगे कांग्रेस चलती है, क्योंकि कांग्रेस चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के नेता खुलकर के इस बात को जरूर कहते हैं कि संगठन ना होना एक बड़ी कमी रही है। ये तमाम बातें जो है वो कांग्रेस के लिए हमेशा जो सवाल है, हरियाणा प्रदेश के अंदर तो कम से कम लगातार लेकर के चलती है, लेकिन इसके अलावा भी किस प्रकार से आगामी जो कार्यक्रम है वो रहने वाले हैं उसकी पूरी रूपरेखा और जो पूरी जो जानकारी है वो साझा करने का काम जो है नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से किया जाएगा। वहीं कल जिस प्रकार की बात जिसको लेकर के आरती हम अभी कुछ ही देर पहले भी चर्चा कर रहे थे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कही गई है, एक जो सलाह दी गई है उस सलाह पर उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है, इस प्रकार के जो तमाम सवाल है उनको लेकर के भी जो जवाब है वो भूपेंद्र हुड्डा से यहाँ पर मांगने का प्रयास जो है वो किया जाएगा, मीडिया की तरफ से सवाल किया जाएगा किस प्रकार से उन पर प्रतिक्रिया रहती है, ये देखना भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और जो राजनीति से जुड़े जो तमाम पहलू हैं उनको लेकर के भी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत जानकारी देते हुए नजर आएंगे। चलिए बहुत शुक्रिया जितेंद्र, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। और अब हम बात करेंगे कोरोना की। बड़ी खबर यह है कि कोरोना 19 के बाद मंडराया के नया खतरा। जी हाँ, ये नया खतरा एक नए वेरिएंट का के JN1 इसको नाम दिया गया है। उत्तराखंड में इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने एडवाइजरी जारी की है COVID-19 के नए वेरिएंट JN1 को। स्वास्थ्य विभाग गंभीरता से ले रहा है, अलर्ट हो गया है। JN1 का फिलहाल उत्तराखंड में कोई भी मरीज नहीं है। दूसरे प्रदेशों में पाए गए हैं JN1 के मरीज। उत्तराखंड में एहतियात के तौर पर सभी अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। देश में कोरोना वायरस के 260 नए केस दर्ज किए गए हैं। कोरोना वायरस के बीच अब JN1 ने खतरे की दस्तक दे दी है। बताया जाता है ये वेरिएंट काफी खतरनाक है। देखिए, ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है JN.1, उसको लेके भारत सरकार से कल गाइडलाइंस जारी हुए हैं। मैं इसमें एक बात ये बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड में इस स्ट्रेन की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, और माह नवंबर 2023 से कोई कोविड पॉजिटिव केसेस की भी कोई पुष्टि नहीं हुई है उत्तराखंड में। भारत सरकार के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें मेन पॉइंट ये है कि सर्वेलेंस बढ़ा दिया जाए। तो हमने सभी जिलाधिकारीगण एवं CMO को इंस्ट्रक्ट किया है कि अपने स्तर पे सर्वेलेंस बढ़ा दें, और इसके अलावा भारत सरकार के गाइडलाइंस में ये भी है कि एडिक्वेट टेस्टिंग की जाए और कम्युनिटी अवेयरनेस की जाए। ये हमने इंस्ट्रक्शंस में मेंशन किया है। सर, स्पेसिफिकेशन या बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट ऐसा नहीं, इस प्रकार का कुछ। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राव शफात हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राव शफात, JN1 को लेकर उत्तराखंड अलर्ट हो गया है, स्वास्थ्य महकमा अब पूरी तरह से एहतियात बरतने की तैयारी में है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, COVID-19 का जो खतरा था वो पूरी दुनिया ने देखा था और बहुत सारी जान भी गई थी, लेकिन अब JN.1 ये एक और ऐसा खतरा है जो डरा रहा है। हालांकि देखिए, उत्तराखंड में अभी JN1 के कोई मरीज नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है और उसी एडवाइजरी के आधार पर राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि सतर्क रहना बहुत जरूरी है। एक तो जो जिला अधिकारी हैं उन सबको एडवाइजरी जारी की गई, इसके साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग है, जो जिले से जुड़े हुए स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उन सबको सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसकी वजह यह है क्योंकि उत्तराखंड एक पर्यटक सूबा है और बाहर के प्रदेशों से बहुत सारे जो पर्यटक हैं वो उत्तराखंड में पहुंचते हैं, तो नजर रखी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेज है। पहले जब COVID-19 स्टार्ट हुआ था तो उत्तराखंड में धीरे धीरे से इसी तरह से बढ़ने लगा था जो पर्यटक उत्तराखंड में पहुंच रहे थे, तो ये खतरा उत्तराखंड के लिए और ज्यादा मंडरा जाता है, क्योंकि पर्यटक सूबा होने के खातिर बहुत सारे जो लोग हैं उत्तराखंड में पहुंचते हैं। और नव वर्ष आने वाला है, नया वर्ष आने वाला है, तो बहुत बड़ी संख्या में देश और विदेश से उत्तराखंड में लोग पहुंचेंगे, तो इसी को लेकर के थोड़ा सा सतर्क है स्वास्थ्य महकमा। लेकिन अभी राहत वाली खबर है कि उत्तराखंड में JN1 के कोई मरीज नहीं है, इस वायरस के कोई मरीज नहीं है, लेकिन अगर सतर्क रहते हैं, एहतियात बरती जाती है, तो जो खतरा है उससे निपटा जा सकता है। तो अभी एडवाइजरी राज्य सरकार की ओर से जारी की गई है, स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है कि अगर इस तरह के कोई मरीज आते हैं तो उनका एक डिटेल्स रखी जाए। दूसरा, एक जो स्वास्थ्य पोर्टल बनाया गया उस पर उनकी डिटेल्स को साझा किया जाए।
इसके साथ ही इन्फ्लुएंजा का, क्योंकि इस वक्त मरीज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, मौसम के अनुसार भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और अमूमन इन दिनों खांसी इस हो जाती है, बुखार हो जाता है। लेकिन अगर इन सबसे ज्यादा कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं तो स्वास्थ्य विभाग को डिटेल्स रखनी होगी और सतर्क रहना होगा। जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, जिस तरह से कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग अब पूरी तरह से एहतियात बरतने के मूड में है, ऐसे में क्या कोई बड़ी एडवाइजरी भी जारी हो सकती है? क्योंकि देखिए राज शफात, नया साल आ रहा है और पहाड़ी राज्य में बड़ी संख्या में लोग नया साल मनाने के लिए आते हैं, घूमने फिरने के लिए आते हैं, बर्फबारी देखने के लिए आते हैं, ऐसे में क्या एडवाइजरी जारी की जा सकती है पर्यटकों के लिए? दूसरी बात, अगर एडवाइजरी जारी की भी जाती है तो पर्यटन कारोबार पर असर संभव है, ऐसे में पर्यटन कारोबारियों के लिहाज से क्या सरकार को बड़ा संभल कर चलने की जरूरत है? हाँ आरती, देखिए अभी कोई इस तरह की एडवाइजरी एसओपी जारी नहीं की गई है, सिर्फ एहतियात के तौर पर ये एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर कोई इस तरह का मरीज कहीं पहुंचता है, अस्पताल में पहुंचता है, तो उसकी जांच की जाए, उसकी डिटेल्स रखी जाए और जो भी जरूरी दवाई है या दिशा निर्देश है उस पर ही काम किया जाए। तो केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, हालांकि अभी किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। ये बात मैं एक बार फिर से बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये कहा गया है कि JN1 के वायरस के जो मरीज है वो उत्तराखंड में नहीं है, लेकिन दूसरे प्रदेशों में यह संख्या धीरे धीरे से बढ़ती जा रही है। क्योंकि COVID-19 की अगर बात करें तो ये खतरा सबने देखा था, और अभी COVID-19 के पूरे देश के अंदर बात करें तो 256 अभी हालिया नए केस आए हैं और करीब 1800 से ज्यादा जो केस हैं वो अभी एक्टिव केस हैं, यानी COVID-19 अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। और इसी COVID-19 के बीच में अगर JN1 जो एक नया वायरस है ये खतरा आ जाता है तो ये बहुत समस्या पैदा कर सकता है। तो एहतियात के तौर पर, क्योंकि लापरवाही सबसे ज्यादा होती है और लापरवाही की वजह से ही खतरे बढ़ते हैं, तो राज्य सरकार चाहती है, स्वास्थ्य विभाग चाहता है कि उससे पहले इस खतरे को टाला जाए। अगर किसी के अंदर इस तरह के सिम्टम्स हैं, किसी तरह का मरीज पहुंचता है, तो उसको अलग से आइसोलेशन वार्ड में रखा जाए और जो सुविधाएं हैं अस्पताल की उनको हालांकि बढ़ा दिया गया है, लेकिन अभी पर्यटकों के लिए किसी तरह की कोई एडवाइजरी, किसी तरह की कोई परेशानी उत्तराखंड में नहीं है। जो लगातार पर्यटक हैं वो उत्तराखंड में पहुंच भी रहे हैं नववर्ष मनाने के लिए। अभी राज्य सरकार की ओर से कोई नई SOP जारी होगी, एडवाइजरी जारी होगी, तो उसकी जानकारी भी दर्शकों को देंगे। चलिए बहुत शुक्रिया राव शफात, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए स्वास्थ्य महकमे ने एहतियातन कुछ कदम उठाए हैं, फिलहाल कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है आम लोगों के लिए या पर्यटकों के लिए, लेकिन हो सकता है अगर कोई केस आता है तो एडवाइजरी जारी की जा सकती है। और इसी के साथ ही हम अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। अगली खबर आपको बता दें, बड़ी खबर के कनाडा ऑस्ट्रेलिया घूमने गए जालंधर पुलिस के 5 मुलाजिम वापस नहीं लौटे, विभाग ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया के अनुशासनहीनता के चलते पुलिस कमिश्नर ने इन्हें बर्खास्त किया है। यहाँ पर आपको बता दें कि जब भी कोई शख्स अपना फॉरेन का वीजा लगवाता है, किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहता है, तो सरकारी नौकरी होने के नाते ये उम्मीद उनसे की जाती है कि ये वापस आएंगे ही आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो बड़ी आसानी से वीजा लग जाता है। तो ऐसे में ये लोग जो पुलिस के 5 मुलाजिम थे घूमने गए, बड़े आसानी से वीजा लग गया, लेकिन अब वापस नहीं लौटे, विभाग ने इन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया के अनुशासनहीनता के चलते पुलिस कमिश्नर ने इन्हें बर्खास्त किया के। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता हरसिमरत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। हरसिमरत, जिस तरह से पंजाब पुलिस के मुलाजिम गए वापस नहीं लौटे, ऐसे में कार्रवाई की गई है, लेकिन इस तरह के केसेस आना एक बार फिर से चिंताएं बढ़ाने वाला लग रहा है। बता दें कि पिछले काफी समय से पंजाब पुलिस जो है वो सख्ती बढ़ा रही है, और यह सख्ती सिर्फ आम लोगों पर ही नहीं है कि उनको अच्छी सुविधाएं और सहूलतें मिल सके, यह सख्ती जो है पुलिस मुलाजमों के ऊपर भी है। तो उनकी अचानक से ड्यूटी के ऊपर चेकिंग करना, इसके अलावा वेट को लेकर के उसको कम करना, योगा अभ्यास और ये काफी चीजें जो है वो चलाई गई थी, पर इसमें जो सबसे मेन चीज है वो है डिसिप्लिन की। जो डिसिप्लिन भंग करते हैं उनके लिए खास तौर पर प्रोविजन रखा गया है कि उन्हें किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। सेफ जीसी के तहत अभी पिछले दिनों देखा जा रहा था कि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं तो वो किसी ना किसी प्रकार से अपने ओहदे या फिर अपनी डेजिग्नेशन का प्रयोग करते हैं जिससे उनको वीजा मिलने में आसानी होती है। पर दिक्कत इस बात की है कि अगर पुलिस मुलाजम ऐसा करने लगे, आपको बताएं कि 6 जो पुलिस मुलाजम है उनके खिलाफ कार्रवाई की है जलंधर के कमिश्नर ऑफ पुलिस स्वपन शर्मा ने, 6 पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया गया है क्योंकि उनमें से 1 गैर हाजिर लंबे वक्त से चल रहे थे, बाकी जो 5 है वो छुट्टियां लेकर के ऑस्ट्रेलिया कनाडा गए थे जो वापस नहीं आए हैं। जी चलिए बहुत शुक्रिया हरसिमरत, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए ये पुलिस के मुलाजिम हैं जो छुट्टियां लेकर गए थे लेकिन वापस नहीं लौटे, अब इन पर कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर जानकारी आपको दे दें, बड़ी खबर, शीतकालीन सत्र को लेकर
आज दूसरा दिन सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। धर्मशाला के तपोवन में शीतकालीन सत्र है और पहले दिन विधायकों ने सवाल उठाए थे, कई अलग अलग मुद्दे उठाए गए थे। आज विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। बीजेपी विधायक विपिन परमार की ओर से नियम 130 के तहत स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर लाई गई चर्चा का उत्तर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल देंगे। इसके अलावा सदन में नियम 62 के अंतर्गत एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव चर्चा के लिए लाया जाएगा, जिसमें भाजपा विधायक रणधीर शर्मा रिकांगपियो में काम करते समय करंट लगने से टीममेट की मृत्यु को लेकर सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे। सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2023 को पुरस्थापित भी करेंगे। हालांकि कल विपक्ष ने सदन की कार्यवाही को शांतिप्रिय ढंग से चलने दिया, लेकिन सदन शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने सरकार को गारंटियों को लेकर घेरने की पूरी कोशिश की। आज दूसरे दिन भी सदन के भीतर विपक्ष का रवैया किस तरह का रहता है और रणनीति क्या रहती है, ये देखना होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। प्रदीप, आज सदन की कार्यवाही किस दिशा में जाती नजर आती है? बिल्कुल, देखिए शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और आज भी हम देख पाएंगे कि सदन के बाहर हंगामा बरस सकता है। जिस तरह से हमने पिछले कल देखा, विपक्ष एक बदली हुई रणनीति के साथ इस बार सदन में है और उसमें सदन के भीतर जो लिस्ट ऑफ बिजनेस में होती है चीजें उनको चलने दे रहा है, लेकिन सदन के बाहर को घेरने की कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। पिछले कल भी जिस तरह से चोला पहनकर सरकार की जो गारंटियां थी उनका चोला पहनकर यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है और आज भी जानकारी है कि आज भी इसी तरह का एक विरोध यहाँ पर सदन के बाहर हो सकता है। अभी विधायक दल की बैठक चल रही है, बीजेपी विधायक दल की नेता प्रतिपक्ष के चैंबर में, और वहां पर चर्चा की जा रही है कि क्या किस मुद्दे को लेकर आज सरकार को घेरना है। जानकारी यह है कि गोबर खरीद की जो गारंटी है उसको लेकर आज सदन के बाहर प्रदर्शन कर सकती है विपक्ष, इसको लेकर हालांकि अभी चर्चा हो रही है। गोबर लेकर यहाँ पर सदन के बाहर जो विधानसभा है विधानसभा भवन के बाहर आ सकते हैं। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश विधानसभा की जो तपोवन में है, इस यहाँ पर किस तरह का दृश्य है और नेता इस वक्त आ रहे हैं, विधायक इस वक्त आ रहे हैं और स्पीकर जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के आने का इंतजार है, प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री सदन में मौजूद रहेंगे, उसके बाद उनका एक कार्यक्रम है तो जाएंगे। कैबिनेट मंत्री श्री चंद्र कुमार का काफिला आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहुंच चुके हैं विधानसभा, और इसमें जो आज के चीजें हैं खासतौर पर अगर बात करें तो प्रश्नकाल के उन प्रश्न का मुद्दा भी आ सकता है। इसके साथ साथ नियम 130 के तहत स्वास्थ्य से चर्चा हुई है, बिल्कुल आज कई खास मुद्दे रहेंगे जिन पर चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है और इसी के साथ ही खबर की तह तक में बस इतना कि आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।